नाम बेटा? ओम स्वामी जी। ओम। मेरा नाम चंचल कंवर राघव है और मैं जयपुर राजस्थान से आई हूँ। स्वामी जी आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। मेरा स्वामी जी वेट बहुत ज़्यादा हो गया, 75 kg वेट हो गया, तो मैं उसको कम करने के लिए आई हूँ यहाँ पे। कल ही आई हूँ स्वामी जी मैं, और मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ से वेट अपना कम करके जाऊँ। लेकिन तेरा कम हो जाएगा, एक दिन का 1 से 2 किलो कम होगा तेरा। क्यों? ये मोटापा वाले 12 के 12 अभ्यास लगातार 1.25 घंटे से कर रही है। त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, फिर जो है चक्की आसन, स्थित कोणासन, पश्चिमोत्तानासन, भुजंगासन, अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, इसको पता है, पूरा फॉलो करती है। फिर सारी थेरेपियां भी होंगी। तो चंचल जी, स्वामी जी तेरी पूरी चंचलता भी खत्म हो जाएगी। धन्यवाद स्वामी जी। खाने पीने की बाकी। और मुझे आंखों में स्वामी जी बहुत टाइम से चश्मा लगा हुआ है, तो मैं उसको भी यहाँ से हटा के ही जाना चाहती हूँ। ठीक है, तो त्राटक भी पूरा करना और अक्षय तर्पण आदि और लीच लगवा लेना जी। सब करके तेरा चश्मा भी हटा देंगे जी स्वामी। और एक फेस पे मेलाज्मा की प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा हो रही है, वो भी कम करके जाना चाहती हूँ। सब खत्म हो जाएगी, यहाँ सारी थेरेपियां इसीलिए अलग अलग करवाते हैं। और ये मेरी मदर आई हुई है, इनको बैक पेन है बहुत ज्यादा टाइम से, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे आए हुए हैं स्वामी जी। आराम आराम से कर, उसको कमर में दर्द है तो माँ कमर का करने में लगी पड़ी है। जो बताया उसको पूरा करना, जैसे मैंने कल बोला था, जो मैं बोलता हूँ 100% फॉलो करो, ऐसा नहीं आधा अधूरा नहीं। मेरी बहुत आस्था है योग में, और मैं स्पेशली आपसे मिलने के लिए भी यहाँ पे आई थी। घर पे ट्राई कर रही थी लेकिन हो नहीं पा रहा था। अच्छा, घर में ना वैसा इन्वायरमेंट नहीं मिलता, यहाँ तो जैसे एक वातावरण का बड़ा असर होता है। जैसे किसी को डांस करना हो और डांस करने वाला पूरा वहां पर कार्यक्रम चल रहा हो संगीत का, तो आदमी के ऐसे ही पैर थिरकने लगते हैं। तो यहाँ अपने आप ही जो नहीं भी चाहता वो भी योग करने लग जाता है। आशीर्वाद बेटा कंचन। धन्यवाद स्वामी जी। जी बहन। ओम स्वामी जी, मैं जयपुर राजस्थान से आई हूँ। मुझे 2008 में स्लिप डिस्क हुआ था, 3-4 महीने तक एलोपैथी में दिखाया, MRI वगैरह कराया, सबने का पेन होता है तो पेन किलर ले लो, बाकी बेड रेस्ट करो। फिर मुझे किसी ने आपके बारे में बताया तो मैंने ऐसे ध्यान ही नहीं दिया। फिर मेरे पिताजी CD लेके आए आपकी, और वो अपना करते थे। उसके बाद मैं आप TV पे भी आने लगे, फिर आप उस देख के मैं ऐसे ऐसे लंगड़ा के चलने लग गई थी, और ये अंगूठा और उसके पास वाली अंगुली तो पूरी सूनी हो गई थी, सुन्न हो गई थी। फिर 15 दिन तक जब ये आपने आसन बताए, मर्कटासन के सारे पोज, भुजंगासन, ये सब किया, 15 दिन में मुझे रिलीफ शुरू हो गया था। उसके बाद बीच बीच में जैसे बहुत काम होता है तो और 2-3 बार फिर से हुआ, बट मैं करती रहती हूँ तो चलता है। उस मेरे B12 कम हो गया था और विटामिन D भी, मैं एलोपैथी की दिखाती थी, वो दवाइयाँ देते थे, लेती थी, बहुत कभी नहीं बढ़ा, पर जब लेती थी तब तक रिलीफ होता था। फिर कोई डॉक्टर कहता था कि नहीं लॉन्ग टाइम मत लो, नहीं तो बॉडी को इनकी आदत हो जाएगी। फिर आपने जब यहाँ बोला कि मैं निकाल रहा हूँ, मैं वेट कर रही थी 3-4 महीने तक, मैंने लिए ही नहीं, ऐसे वेट कर रही थी, अब आए। हालांकि एलोपैथी के बीच बीच में ले रही थी मैं, मेरा B12 कभी भी 200 से ऊपर नहीं गया, और मेरा विटामिन D तो 10 से स्टार्ट हुआ था। ओ, वो जरूर थोड़ा बहुत आता, मैं मेरे घुटनों में भयंकर दर्द होता था, मतलब मैं बेड पे से उतरती तो ऐसे सोचती थी कैसे उतरूंगी, कैसे चलूंगी, टॉयलेट में भी सीट बैठती थी तो उठा नहीं जाता था, टैप पकड़ पकड़ के उठती थी। अब क्या हाल है बेटा? अभी फिर जब अभी मैंने B12 आपका लिया, टेस्ट करवाया, 699 ये सब हमने नेचुरल तैयार किए, वो इसलिए प्रतीक्षा कर रही थी कि एलोपैथी वाला नहीं खाना, वो केमिकल और एनिमल बेस्ड नहीं खाना। मैंने ले रखे थे और ड्रॉयर में पड़े थे, लिए ही नहीं, वेट कर रही थी, रोज मेडिकल स्टोर पे पूछती थी कब आएगा, बाबा जी यहाँ तो बोल चुके हैं, यहाँ कब आएगा। तो अब लेना शुरू किया, एक 30 टेबलेट ली थी और फिर चेक करवाया था, 699 आया, और विटामिन D नेचुरल वाला। और ये मेरे भैया भाभी सब आए हैं, थायराइड भी है, मेरी भाभी के भी थायराइड है इनके, पर ये
इनकी इनके अभी तो इतना ज़्यादा बाल पूरे निकल रहे थे, तो इनका आयरन और इन्होंने विटामिन डी और B12 लिया, बाल तो इनके रुक गए हैं। इनके ल्यूकोडर्मा है, तो इनको भी मैं यही इसीलिए लेके आई हूँ कि वहाँ बाबा जी के यहाँ जाके ठीक होगा। तेरा वो डी का क्या हाल है, विटामिन डी मेरा बढ़ गया है। पहले तो 69 हो गया था, फिर 40 पे, जब बंद करती थी तो 40 पे आ जाता था, पर अब लेती रहती हूँ। मुझे ये पूछना है कि क्या मैं 10 साल से छोटे बच्चे को दे सकती हूँ? हाँ, दे सकते हो, या नेचुरल वाला दे सकते हो, केमिकल वाले। और बच्चों को धूप में बैठाना 1 घंटा, बच्चे को धूप में बैठाना। हाँ, धूप में बैठाती हूँ। हाँ, बच्चों को पहले धूप में बैठा के मालिश करा करते थे, भूल गए। अब बच्चों का भी विटामिन डी कम हो रहा है, B12 कम हो रहा है, तो अपना नेचुरल वाला विटामिन, न्यूट्रीला विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, ये सब केमिकल एनिमल बेस्ड खा करके अब ये और मुझे कॉन्सेंट्रेशन लाइव एग्जांपल है, केमिकल एनिमल वाला नहीं खाए, नेचुरल खाए, और योग किया और धूप में बैठो। और कौन सी पेशेंट है मुझे बस, लेकिन मैं बहुत 2008 से कर रही हूँ आपका प्राणायाम, लेकिन खाने पीने में गड़बड़ हो जाता है। तो ये मेरा वात बीच में तो इतना पड़ गया था कि मुझे यहाँ यहाँ पीछे यहाँ दर्द, मुझे सब जगह दर्द हो गया। इको करवाया कि क्या हार्ट में तो कुछ नहीं हो गया, हार्ट अटैक हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, लेकिन सब नॉर्मल है। सिर्फ कौन सी पेशेंट है मेरे बहुत ज्यादा, बस बात सारे दिन डकारे आती रहती है। वो भी ठीक हो जाएगा बेटा, ना दूसरा दिन है हमको आए हुए आज यहाँ। चलो, क्या 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 ठीक किया तुमने? ये नीरजा है, ये पहले आई भी है मई में, दोबारा आ गई। मेरा C4 C5 श्रिंक हो गया था, और जब मैं यहाँ पर आई थी तो मेरा राइट हैंड से श्रिंक हो गया था, ये पीछे से। हाँ जी, श्रिंक हो गया था। अब डॉक्टर कहते हैं जो श्रिंक हो गया वो तो खुली गई नहीं जी, हाथ ये और ये हाथ बिल्कुल लटक गया था, इसमें कोई भी सामान कुछ उठा नहीं सकती थी। तो मुझे दिल्ली में गंगाराम हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बोला था कि आप लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू कर दीजिए, मैं क्योंकि राइट हैंड तुम्हारा काम नहीं करेगा जी। मैं टीचर हूँ तो पढ़ाती भी मैथ्स हूँ, तो मुझे तो हर टाइम लिखना ही था। मैंने कहा इतने शॉर्ट पीरियड में तो मैं लेफ्ट हैंड से नहीं लिख सकती हूँ। उसके बाद में मैं यहाँ पर आई, और यहाँ आने के बाद जब मैं यहाँ से गई थी तो मेरा 70% बिल्कुल ठीक हो गया था, मैं आराम से लिखती थी। 70% यहीं से ठीक करके चली गई जी। और उसके बाद क्योंकि हमें उस टाइम पर कोविड भी हुआ जो मुझे पता नहीं चला था, लेकिन उसके बाद उसमें तो नहीं कुछ हुआ, लेकिन जो वैक्सीनेशन के लिए स्वामी जी बताते हैं वो वैक्सीनेशन लेने के बाद में मेरा बहुत बेकार हो गया। 1 हफ्ता मैं बहुत बुखार में रही, लेफ्ट हैंड उठता नहीं था, और अब वापस से मतलब जो रिकवरी हुई थी वापस हाथ नहीं जी, वापस आ गई, बखेड़ा हो गया। वही मेरे हस्बैंड के साथ भी हुआ, उन्होंने भी वैक्सीनेशन कराया, और उसके बाद पहले कोविड था, उसके बाद में दोबारा से मतलब वही सिम्टम्स, वही सब चीजें दोबारा से। वैक्सीनेशन के कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर पूरे वर्ल्ड में कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो रहा है कि लोग डर ना जाएं, लेकिन अब लोगों को रोक कहने से कैसे रोक लोगे। मैं तो ज्यादा बोल नहीं रहा, नहीं तो इस वैक्सीनेशन भी पूरी दुनिया में बहुत बड़ा फ्रॉड है, अलग अलग तरह के वैक्सीनेशन चलते हैं, मैं कोरोना की बात नहीं कर रहा हूं। वैक्सीनेशन का भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, उसमें कुछ सच्चाई कुछ झूठ, और सच्चाई कम झूठ ज्यादा, और पूरा एक घोटाला है वैक्सीनेशन घोटाला। स्वामी जी प्रोटोकॉल बना दिया इसका, तो ना प्रोटोकॉल बना दिया कि आपकी जब तक 15 अक्टूबर तक वैक्सीनेशन नहीं हो जाएगा तब तक आप घर पे बैठिए, नहीं तो आपकी लीव मार्क होगी और आप वो कराना ड्यूटी पर नहीं जा सकते जी। तो फिर अब करवा लिया, लेकिन फिर इसने हिम्मत करके फिर योग किया। मैंने कल यही कहा था, वैक्सीनेशन भी करवाना पड़े, कोई कानून बना दिया तो योग मत छोड़ना, आयुर्वेद मत छोड़ना, फिर रिकवर किया जी जी। अब उसके बाद काफी रिकवर कर लिया, बस हाथों में हाथ पैरों में सुन्न हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा नहीं मैं छुट्टियां भी हैं तो मैं स्वामी जी के पास ही जाऊंगी, और इसीलिए जुड़ी भी हूँ यहाँ से। अब ये प्रचारक हो गई है योग की, आयुर्वेद की, नेचुरोपैथी की, सब जगह जहाँ भी जाती है। वैसे इसमें वाक शक्ति अच्छी है, अपनी बात बहुत अच्छे से रखती है, तो अब रिकवर कर लिया, डिफ्यूज हो गया अंदर से जी। स्वामी जी एक और रिक्वेस्ट है, मैं कहती हूँ कि आज के टाइम पे सभी लेडीज के लिए बहुत मेजर इशू है कि उनका जो डिलीवरी का टाइम होता है ना तो वो सिजेरियन होता है। मैंने पहले भी बताया था क्योंकि मैं अपनी छोटी बहन को इसमें खो चुकी हूँ, तो मैं स्वामी जी आपसे इस चीज के लिए अनुरोध करूंगी, पिछली बार भी बोल के गई थी जी, कि आप कम से कम लेडीज के लिए ना कुछ ऐसा कीजिए। दिल्ली में सिर्फ एक हॉस्पिटल है सीताराम भारती जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए कमिट करता है, बाकी कोई हॉस्पिटल नहीं कमिट करता, और मैक्सिमम केसेस सिजेरियन होते हैं। मैक्सिमम को सिजेरियन करवाते हैं, पैसे मिलते हैं, और वहां तो दिल्ली में तो एक हॉस्पिटल में एक हमारे मेरे ही बच्चा मींस हमारे बालक जो है वो रजत प्रकाश, उसकी वाइफ को डिलीवरी भी तो एक बड़े से हॉस्पिटल में भर्ती कर दी, और लड़की 9 महीने तक योग करती, विराज बहुत अच्छा बालक, और जबरदस्ती उसको भी
सर्जरी कर दी। इन मैंने कहा ये क्यों करवाई तुमने? बोले जी वो डॉक्टर तो डरा देते हैं। स्वामी जी मेरा 5 लाख रुपए लिए, 5 लाख मेरा पहला भी। और वो मैंने कहा भाई इतने क्यों? बोले जी इस हॉस्पिटल में ना फैसिलिटी बहुत अच्छी है, तो डिलीवरी कराने के कितने? 5 लाख। अरे मैंने कहा हम तो 25 साल के हो गए, तब 25 साल के होने तक हम पर 5 लाख खर्च नहीं हुए। ये पैदा होते ही 5 लाख खर्च कर दिए तुम्हारे। इसकी बहन तो खो दिया था इसने डिलीवरी में। जी जी बिल्कुल, मेरा तो खुद का पहला बेटा नॉर्मल और दूसरा सिजेरियन ही हुआ स्वामी जी। इसको भी कर दी, जिसको देखो उसी को काट देते हैं। 99% लोगों को नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, पहले यही होता था। अरे पहले तो माता है बहने खेत में घास खोद रही है, वहीं बालक हो गया अपने धर के और अपने छापड़ी में लेके आ गई घर। आजकल ये मामला गड़बड़ है। और यहीं से ही फिर बैक पेन शुरू होता है, मेरा यहीं से ही हुआ था। फिर उसमें भी डॉक्टर ने कहा था स्लिप डिस्क हो गया, खैर वो तो 3-4 साल हो गए। उसके बाद उसकी दवाई ली तो उससे फिर अस्थमा हो गया और उसका इनहेलर लग गया। वो तो मैंने घर पे स्वामी जी को देख देख कर ही क्योर कर लिया, वो तो छूट गया, वो तो कब का छोड़ दिया मैंने। चलो नीरजा और विवेक के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है, ऐसे ही सबको पूरा फॉलो करना है। नीरजा विवेक बहुत आशीर्वाद, अस्थमा ठीक कर लेंगे, अब श्वास आ रही है और गोल्ड और कर्क्यूमिन गोल्ड लगातार ले लें और लंग बस्ती भी करवा लेना, एकदम से पूरा एकदम से अपलिफ्ट कर देते हैं सारी थेरेपियां करा के। क्या नाम बेटा? तेजस तिवारी। तेजस, ये ना वैसे भी तेजस्वी है। अपने बच्चों को अच्छा खाना पीना दो, लोग कहते हैं जेनेटिकली इसकी तो हाइट बढ़ेगी नहीं। मैंने विदेशों में देखा है, वहां ना जो अच्छे परिवार है तो फ्रूट्स वेजिटेबल्स अच्छा जो खाना खाते हैं, बच्चे माँ बाप से आधा आधा एक एक फिट ऊंचे देखे मैंने। ये पहली बार मैंने हिंदुस्तान में, और कुछ भी और भी देखे हैं मैंने, कुछ बालक जो बहुत सात्विक बच्चे हैं, अच्छा खाते पीते हैं, योग करते हैं, तो अपने माँ बाप से। अब ये करीब कितनी हाइट होगी बेटा? 6 फुट हो गई। 6 फिट का है बालक, ऐसे बच्चे होने चाहिए। अच्छा खिलाओ पिलाओ योग कराओ तो माँ बाप से भी ऊँचे चले जाएंगे बच्चे, फिजिकली भी इमोशनली भी, और बाकी तो वो यशस्वी होंगे ही, कीर्तिमान बनाएंगे। क्या क्या प्रॉब्लम थी बेटा? स्वामी जी मेरा अभी कुछ साल से बैक पेन है, लंबर में इंजरी हो गई थी स्पोर्ट्स करते टाइम। हाँ तो उसका, हाँ मतलब नेशनल लेवल पे खेला हुआ था पहले मैं एथलेटिक्स में, लेकिन इंजरी के बाद से वो स्टॉप हो गया था। तो फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट दिया है बट परमानेंट क्योर तो नहीं हो रहा है, तो अभी यहाँ पे एक्यूपंचर और फिजियोथेरेपी दे रहा हूँ मैं ट्रीटमेंट। अब क्या हाल है क्या आप स्वामी जी? पहले आप पहले से बेनिफिट है? हाँ अभी रिलीफ तो लग रहा है, पेन कम है थोड़ा। पेन कम है तो अब कमर वाले अभ्यास ज्यादा करना। हाँ कमर का योगा करता हूँ। भुजंगासन शलभासन मरकटासन ज्यादा करना, जैसे श्रुति लगी हुई है ना, अर्धलासन पादवृत्तासन द्विचक्रिकासन करो बेटा, साइकिलिंग एक एक पैर से ऐसे। जी स्वामी जी। अपना अपना अभ्यास पूरा करो, ऐसे लगे रहो। चलो अभी परिवार मेंबर बन रहा है तो पूरे परिवार के लिए बहुत बहुत अभिनंदन है, पूरे तिवारी परिवार के लिए। स्वामी जी प्रणाम। ओम। मेरे को भी स्लिप डिस्क था, 2017 में भी मैं यहाँ पर आया था, 9 दिन रहकर मैं ठीक होकर गया। लो अपना स्लिप डिस्क ठीक कर रखा, लोग कहते वो डिस्क अपनी जगह आती नहीं, अरे आती है ना, करना तो पड़ेगा। और 2008 में यही पर दिसंबर में जो शिविर हुआ था षटकर्म का, उसमें भी मैं आया था। अच्छा, उस कार्यकर्ताओं के लिए पहले रखा था। आपके साथ जुड़कर कार्य कर रहा हूँ सर, और पूरे भंडारा जिले में भी कार्य गति से बढ़ रहा है योग का। अभी 75 करोड़ सूर्य नमस्कार में भी हमने 75 स्कूल और कॉलेज को जोड़कर 75,000 के ऊपर से सूर्य नमस्कार किए। बहुत अच्छी बात, बहुत आशीर्वाद। जी स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। मैं पहले भी मिली थी आपसे, तो जो मैं हॉस्पिटल में मेरा ऑपरेशन होना था, 14 तारीख को मैं एडमिट हो रही थी, तो मेरी बेटी ने बोला कि मेरा बीपी बहुत बढ़ रहा था, बोला जब सीधे पेशेंट को बुलाओ बोलेंगे तब आना मम्मी पास। वो उत्तराखंड वाली है क्या? जी जी मैं आई थी। हाँ। तो बोला कि तू सीधे आना, लेकिन वहाँ जैसे बेटी गई तो सारे डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव जिन्होंने मेरा ऑपरेशन करना था। अब ऑपरेशन तो मैं बेटी के कहने पे या उन लोगों के, लेकिन मेरी बेटी के क्लासमेट उन लोगों ने मेरी रिपोर्ट पटना हॉस्पिटल भेजा, तो वहाँ के डीन ने कहा कि
कि जब तक जो है इसका जो ऑपरेशन नहीं होता है तब तक ये ट्यूमर रहता है, जब ऑपरेशन हो जाता है तब ये जो है कैंसर बन जाता है, और इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है ऑपरेशन कराने से। तुम बगल में जो है स्वामी जी हैं, वहाँ मैं देहरादून से आई हूँ, हरिद्वार में जो है चले जाओ, तुम्हारे पड़ोस में है, वहाँ इसका इलाज है। डॉक्टर ने ऐसा बोला? पटना हॉस्पिटल के डीन ने, पटना हॉस्पिटल के डीन ने बोला इसको कि देख ये तो साइकिल है जी। सर्जरी, ऑपरेशन, रेडिएशन, क्यूमो के बाद 10 में से 7 रोगी तरफ तरफ के मरते हैं, ये निष्कर्ष है पूरा जी। कोई मैं ही कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, जो डीन ने ठीक कहा। वो मैं समझ रही थी कि मेरा क्या होने वाला है आगे, लेकिन उन लोगों की जिद में और बेटी की जिद में मैं सोच रही थी कि ये लोग ये ना समझें कि इसको डर लग रहा है ऑपरेशन कराने से। हाँ। वो चीज़ वो जो डीन उन्होंने बोला था, डीन साहब ने, वो मेरे दिमाग में बिल्कुल वो कर गई थी। और लास्ट में हुआ वही कि सारे डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हो गए और सीधे हॉस्पिटल से मैं सीधे यहीं आई। यहाँ एक आचार्य जी का नंबर था मेरे पास, मैं 3 साल पहले आई थी, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मैं आ रही हूँ, मुझे गेट से अंदर करिए, क्योंकि मैं मेंटली ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई, मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। 20 दिन से मेरे घर पे खाना नहीं बना था, बेटी और मैं दोनों हम लोग ऐसे पागलों की तरह सुबह से शाम तक भागते रहे, घूम रहे थे हम, टेस्ट कराने में घूम रहे थे, बेटी हॉस्पिटल में से पागलों की तरह दौड़ रही थी, मेरी मम्मी ऐसे हो गई, क्योंकि आज तक मुझे मैं योग से तो जुड़ी थी लेकिन थोड़ा लापरवाही बीच में कर दी थी, या कुछ मेरी ऐसी वो रही कि बेटी को बचपन में दूध में प्रॉपर नहीं पिला पाई, इस वजह से शायद ये रहा होगा, क्योंकि मैं जॉब करती हूँ और दूर शाम को ही मैं घर आती थी, उसी वजह से रहा होगा। बाकी तो पेट की तो मेरी सारी रिपोर्ट इसी योग की। अब क्या का हाल है कैंसर का? तो काफी दिनों से है। 50% बिल्कुल सही है। 50% कितने दिन हो गए यहाँ जी? कितने दिन हुए यहाँ जी? मुझे 21वां दिन है आज। यहाँ 21वां दिन है, क्योंकि आई थी बड़ी दुखी और इसकी बेटी भी दुखी, ये भी रोए रोए स्वामी जी मुझे बचा लीजिए। जी हम गेट पे भी बहुत रोए थे, मेरी बेटी ने बोला मम्मी हमें क्यों होता है ऐसा, कभी 3 साल की थी, पापा का साया उठ गया, और रिश्तेदार भी सब परेशान की, अब एक मम्मी इसकी थी, अब कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा, सब बहुत परेशान हो गए। आज मुझे इतना आराम मिला, आज हम खुशी खुशी जा रहे हैं बाबा जी। अब खुशी खुशी जा तो रही है जी, लेकिन योग मत छोड़ना जी। नहीं वो नहीं छोड़ूंगी। और खाना पीना जो बताया वही करना। मैं 16 साल से वैसे भी जुड़ी हूँ, कभी कभी टाइम नहीं मिलता, सुबह स्कूल जाना होता है। क्या नाम है तुम्हारा जी? हीरा रावत। हीरा, चलो भाई इसको ऊपर भेजो, हीरा को ऊपर, ऊपर जाने से बच गई, अब इधर आ जाओ। 50% इसको रिलीफ हो गया है इसके कैंसर में मात्र 20 दिन के अंदर। चलो ये मैं नहीं कहता कि 1-2 महीने में ही ठीक हो जाएगा, मैं कहता हूँ कैंसर जैसे सामान्य रोगों में तो 1-2 सप्ताह से 1-2 महीना, और कैंसर जैसे रोगों में आपको 9 महीना तक लग सकता है, लेकिन 9 महीने में भी ठीक हो जाओ तो कैंसर तो मौत का पर्याय है, मौत का दूसरा नाम बन गया है। लोग मैंने कहा ना, ये पूरा निष्कर्ष बता दिया मैंने आपको, 10 में से 7 रोगी रेडिएशन, ऑपरेशन, क्यूमो के बाद भी मरते हैं। लो चलो बेटा हीरा, अब तुम मरेगी नहीं। किस जगह का था तेरे को? लेफ्ट में, ब्रेस्ट में। इधर बैठो, बैठो महात्मा जी, आप भी अनुलोम विलोम करो। ये कह रहे थे कि मोहन जी करने के लिए बोल दिया था लड़की को, ब्रेस्ट रिमूव करने के लिए बोलते हैं, फिर ब्रेस्ट रिमूव करने के बाद हाथ इतना मोटा, फिर हाथ काटना पड़ता है, फिर मरते हैं। 9 मैंने तो ब्रेस्ट रिमूव करने के बाद जो योग कर लिया वो तो बच गए, योग और फिर यही वीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, गोधन, अर्क और ये सब आयुर्वेद का उपाय कर लिया तो बच गए, नहीं तो ब्रेस्ट रिमूव करने के बाद हाथ इतने मोटे मोटे, फिर एक ब्रेस्ट के बाद दूसरी ब्रेस्ट में, दूसरी ब्रेस्ट के बाद यूट्रस में, ऐसे मल्टीपल ऑर्गेन्स में फैलता है, ऐसे होता है। लेकिन वो तो ब्रेस्ट की जड़ में, इसकी ब्रेस्ट की जड़ में तो बच गई। अब मतलब आकार आधा हो गया उसका, बिल्कुल 5 रुपए के सिक्के से भी छोटा हो गया, 5 रुपए के सिक्के से भी छोटा हो गया। पहले कितना था? पहले बड़ा था, 6x3x2 ऐसे फैला हुआ था, और हाथ में भी दिखने में भी बिल्कुल वो उसका शेप बिल्कुल ऐसे जैसे, और ऐसे ऐसे गला हो जैसे कि मिट्टी का ढेला जो है बारिश में गलता है, इस तरह से गला। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि ये शेप चेंज कैसे हो रहा है, ये बढ़ रहा है कि घट रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा था। अब जाके समझ में आया कि ये घटने को ऐसे शेप चेंज कर रहा था। तो मेरे सारे रिश्तेदार देहरादून, वो सब टीचर आए थे देहरादून, वो भी चक्कर काट रहे थे हॉस्पिटलों के, लेकिन अब सब लोगों की बोलती बंद हो गई, अब मुझे कुछ नहीं कहना पड़ेगा उनको, वो सब कह रहे बस तो ठीक हो अब तो हम जो है। अब पहले सबको समझाना पड़ रहा था इसको। हाँ हूँ किशोरी राठौड़ छू, मुंबई थी आवी छू। हाँ
મારે છે ને 7-8 વર્ષથી કમરનો દુખાવો હતો. ધીરે ધીરે દુખાવો વધીને આખું બેક પેઇન ચાલુ થઈ ગયું હતું. ઇન્ડિયા ટીવી જોઈ જોઈને તમારાથી ઇમ્પ્રેસ થઈને અમે અહીંયા આવ્યા છીએ મારી છોકરી સાથે. અહીંયા આવીને શું લાભ થયો? હા, લીચ થેરાપી કર્યા પછી મને ઘણી રાહત છે. હવે હું નીચે બેસી શકું છું. પહેલાં નીચે બેસી પણ નહોતી શકતી, તો હવે પલાઠી વાળીને બેસી શકું છું નીચે. ઘણો ફાયદો થઈ ગયો છે લીચ થેરેપીથી. અને તમારું અહીંયાનું વાતાવરણ, હા મેઇન તો વાતાવરણ પણ બહુ જ મસ્ત છે. સ્વર્ગમાં આવ્યા છે એવું લાગે છે. પૃથ્વીનું સ્વર્ગ લાગે છે આ. હા તો આ તો બેન ને બધા રોગો મટાડી નાખ્યા. હા હા, સ્વામીજી કે ચરણો મેં કોટિ કોટિ વંદન વંદન. મેં બહુત લંબે ટાઈમ સે 89 સે કરીબ મેરી બેકબોન મેં પેન થા ઓર સ્કિન ડિસીઝ થી કરીબ 85 સે, જો કે 23-24 સાલ તક મેને બહોત અધિક આયુર્વેદ હોમિયોપેથિક દવાઈ લી. આયુર્વેદિક ભી પહેલે લી થી જબ તક પતંજલિ સે નહીં જુડી થી, લેકિન કોઈ રિઝલ્ટ નહીં આયા થા. દવાઈ ખાતે રહેતે થે બન જાતા થા. મેરે હાથો સે પૂરે સમય બ્લડ નિકલતા રહેતા થા, દાને દાને થે પૂરે હાથો મેં. ઓર બેકબોન મેં ઇતના દર્દ થા કે ડોક્ટર્સ યે કહેતે થે કે અગર આપ ઝુક કે સાબુન ભી ઉઠાઓગે નહાતે હુએ તો આપકો નહીં ઉઠાની હૈ. દોનો બચ્ચે પડને વાલે, ઘર મેં સારા કામ, યે સબ પોસિબલ નહીં થા. લેકિન ફિર ભી 24-25 સાલ દવાઈ કે સહારે. મેરે પાસ 5 MRI હૈ, જયપુર, આગ્રા, અલીગઢ ઓર હાથરસ મેં મેં રહી મુરાદાબાદ સે, જિસકા કી કોઈ ભી રિઝલ્ટ નહીં મિલા થા. દવાઈ ખાતે રહેતે થે તો ઠીક થા. અભી મેં 2004 મેં પહેલે પતંજલિ આઈ થી, જબ ફેસ વન બના હુઆ થા કેવલ, વહાં સે દવાઈ લી થી. ઓર અબ મેં કાફી લંબે ટાઈમ સે અપને સંગઠન સે જુડી હુઈ હું ઓર પશ્ચિમી ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્ય કાર્યકારિણી સદસ્ય ભી હું. અબ કમર ઠીક કર લી? જી બિલકુલ સારે. અબ મેં શીર્ષાસન, ચક્ર આસન, ભૂમિ નમન આસન સારા કુછ કરતી હું. ભૂમિ નમન આસન તો બડા કઠિન હે. જી કર લેતી હું સ્વામીજી. કરકે દિખા અગલી કો દે દે માઇક. હેલો, જિસકો કહેતે થે કે સાબુન કી ટિકિયા ભી નહીં ઉઠાના, હે તો બડી હે. અબ વો પૂરી ઝુક રહી હે તો બચ્ચોં કી તરહ કર રહી હે ઓર શીર્ષાસન કર લેતી હે. ક્યા બાત હે. થાઇરોઇડ ઓર થાઇરોઇડ થા, રુમેટાઇડ આર્થરાઇટિસ થા ઓર મેરા બેક પેન થા. ઇતના ખતરનાક થા સ્વામીજી. લાસ્ટ યર મુજે બેક પેન, મેરી બેક લોક હો ગઈ થી કોઈ રીઝન કી વજહ સે. મેં હિલ ભી નહીં પા રહા થા ઓર હોસ્પિટલાઇઝ હુઆ. કેનેડા મેં ઇમરજન્સી સર્વિસ લેકે ગયા થા મેં. વહાં મુજે 6 ઘંટે મેં ખડા હોકે ઘર ભેજ દિયા. હર આધે ઘંટે મેં વો સ્ટીરોઇડ ડાલતે ગયે ડાલતે ગયે ડાલતે ગયે. 6 ઘંટે હોસ્પિટલ મેં રહા, ખાલી મેં ઘર આ ગયા ચલ કે. ફિર 15 દિન મુજે બહોત અચ્છા લગા. 15 દિન કે બાદ ફિર સે વો પેઇન ચાલુ થા ચાલુ થા. મેં યોગા સૂર્ય નમસ્કાર કરકે કરકે 1 સાલ નિકાલા. ઓર જૈસે ફ્લાઇટ ચાલુ હુઈ મેં સીધા યહાં આયા. સ્વામીજી અનુરાગ સર ને જો 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 લિખા પંચકર્મા મેં, મેરા 1 દિન મેં બેક પેઇન ગાયબ હો ગયા થા. એક હી દિન મેં ગાયબ. ફિર મેને આપ માનો કે મેને કન્ટિન્યુ પંચકર્મા ચાલુ રખા. 10 દિન લ્યા, આજ મેરી બેક નોર્મલ હો ગઈ. 25 સાલ કે બેટે કી તરહ હો ગઈ મેરી, બિલકુલ નોર્મલ. આર્થરાઇટિસ તો મેને જૈસે યહાં પે મેં આયા ઓર દિવ્યશ્રી સે મેરી બાત હુઈ. દિવ્યશ્રી કો કહા મેં ગોલી નહીં ખાને વાલું. દિવ્યશ્રી ને કહા 1-2 દિન લે લો. મેં બોલા ઠીક હે, લેકિન મેને ખાઈ નહીં ખાઈ નહીં. ફિર 5 દિન બાદ વો બ્લડ ટેસ્ટ કે લિયે ગયા મેં. કઈ વાર તો હમારે ડોક્ટર ડર જાતે કે કઈ એકદમ સે દવાઈ બંધ કરને પર ઇનકો કોઈ દિક્કત તો નહીં હો જાયેગી, તો બિચારે ધીરે ધીરે બંધ કરતે હૈ. જો હિંમત વાલે હોતે પહેલે દિન છોડ દેતે. હા તો બાદ મેં કહા, દિવ્યશ્રી ને કહા કે અબ દવાઈ બંધ કર દો. મેં બોલા ડોક્ટર સાહેબ મેને દવાઈ પહેલે સે બંધી કર દી હૈ. મેને લીને વો હસ રહી થી સ્વામીજી. ઓર થાઇરોઇડ મારો 1.4, જે મારો નોર્મલી 4.5 રહેતો હતો, બોર્ડરની બહાર રહેતો હતો, એ 1.4 પર આવી ગયો. ને નોર્મલ કોઈ દવાઈ નહીં. અને કાલથી મારું ડિસ્ચાર્જ છે સ્વામીજી. તો આજથી મને કહ્યું હતું કે તમે થાઇરોક્રીટ ચાલુ કરો, 2 ટાઈમ લો અને જુઓ થોડો સમય, તમને જો યોગ્ય લાગે તો થાઇરોક્રીટ પણ બંધ કરી દેજો. હા એ વાત છે. પહેલા હું એલોપેથી ને દવા બંધ કરું, પછી આયુર્વેદની પણ જરૂરત નહીં પડે. અમે દેખાયા થા ડોક્ટર કો, તો ઉન્હોને દવાઈ દી. 2 મહિને ખાઈ મેને, તો ઉસે મુજે નીંદ કી સમસ્યા હો ગઈ. ઓર નીંદ કી સમસ્યા હો જાને કે કારણ મુજે ડોક્ટર ને ફિર નીંદ કી દવાઈ લિખ દી. તો નીંદ કી દવા ખાને લગી. મેં સવેરે જગતા થા, દેહ હાથ મેં પૂરા દર્દ, માથા દર્દ,
मैं स्कूल में शिक्षक हूँ, मैं पढ़ा नहीं पाता था, परेशान रहता था। और दो तीन महीने, छः महीना, नौ महीना तक मैंने ये डॉक्टर बदलते गया, सभी ने मुझे नींद की दवाई लिखी। फिर मैंने आपका योगा इंडिया टीवी पर और आस्था पर देखता रहता था, उनसे हमें प्रेरणा मिली कि मुझे मेघावटी आपके द्वारा बताया गया, तो मैं मेघावटी खाया और तीन महीने से मैं मेघावटी बंद कर दिया और मैं अभी खूब बढ़िया से सो रहा हूँ। अब दवाई की भी जरूरत नहीं, नहीं दवाई की जरूरत, पूरा प्रकृति से जुड़ गए। हाँ। अपने आपे से, अपने नेचर से, जितना हम अपने सहज जो अपनी प्रकृति है उससे जुड़ जाते हैं, तो कोई दवाई के बिना आप स्वस्थ हैं। ओम स्वामी जी। ओम। मैं कोरोनिल किट वगैरह भी जा करके देता था और मैंने पास में मैंने कपाल भाती और अनुलोम विलोम एक घंटे से ज़्यादा किया था। सब लोगों को कोरोना हो जाता था मेरे साथ जो ऑफिस में कार्य किया करते थे लखनऊ बीरबल सानी पुरा विज्ञान संस्थान में। मैं हिंदी अनुवादक हूँ वहाँ पर। अच्छा जी। और वहाँ पर जो लैब थी वो फास्टेस्ट लैब थी हिंदुस्तान की। हाँ। तो आए दिन ये हुआ करता था और मेरे भी 10-12 बार टेस्ट हुए साहब वहाँ पर, लेकिन मुझे कोरोना नहीं हुआ क्योंकि मैं कपाल भाती अनुलोम विलोम अनवरत किया करता था। और जिनको कोरोना हो गया था उनको जाकर के मैंने कोरोनिल किट घर पर जाकर के दी। उन्होंने कहा कि मेरे घर मत आना शर्मा जी। मैंने कहा मैं आपके घर पर आऊंगा। लोग इतने डरा दिए थे। और आपसे मैं हाथ भी मिलाऊंगा क्योंकि स्वामी रामदेव जी कहते हैं कि कुछ नहीं होगा कोरोना, आप अनवरत योग प्रणायाम करिए। ये बात ये अनवरत मैंने करना। ऐसी प्रेरणा ली आपसे। ओम स्वामी जी। और अब दूसरी भी तो बीमारी ठीक की होती है। मुझे प्रोस्टेट हो गया था और स्टोन था, वो भी प्राणायाम योग से सब सही हो गया। पैर में गोली लगी, पैर में मेरे दाहिने पैर में गोली लग गई थी। अब पद्मासन में बैठे जी, कोई दिक्कत नहीं। मैं दौड़ता हूँ, लंगड़े हो जाते अभी। मैं दौड़ता हूँ साहब केवल आपकी प्रेरणा से। उम्र कितनी आपकी? मेरी 54 वर्ष है साहब। दौड़ते जी मस्त है।